BTR. Now it's the final moment, Johnny. TSM entity versus BTR, 3-2. क्या लगता है आपको, कौन यहाँ पे जीतने वाला है, कौन यहाँ पे अपने देश का झंडा ले रहा है? कैन इट बी एन इंडोनेशियन टीम या फिर टीम इंडिया यहाँ पे जीतेगी? जल्दी बताइए। ये बोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि कौन यहाँ पे जीतने वाला है, बट आई थिंक TSM एंटिटी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि जो कॉम्पाउंड को होल्ड कर रहे हैं वहाँ पे एंट्री करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अनलेस यहाँ पे हील बैटल पे बात आ जाती है और BTR उस सिचुएशन में TSM को बीट कर रही है, तब तक BTR के लिए एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होंगे, उनको बहुत ज्यादा यूटिलिटी यूज करना होगा और वो पिछली फाइट्स में काफी कुछ कमिट कर चुके हैं, तो यहाँ पे वो चीज लैक करेगी। प्लस आर्मर सिचुएशन देखिए, लक्सी का आर्मर थोड़ा बहुत बचा है, 50% डैमेज ले चुका है, माइक्रो बॉय है जिनका जो आर्मर और हेलमेट है बिल्कुल अनडैमेज है, उसके अलावा जो तीसरे प्लेयर थे राइजन, उनका आर्मर पूरी तरह उड़ चुका है, तो डैमेज सस्टेन कर ही नहीं पाएंगे प्लेयर्स जो है सामने की साइड से जो आएगा। प्लस TSM एंटिटी, उन्होंने जो हाई ग्राउंड एडवांटेज था कॉम्पाउंड के फर्स्ट फ्लोर पे रहने का, वो यूज करके उन्होंने ऑलरेडी पोजीशन वाइज सारी इंफॉर्मेशन ले ली है कि BTR के प्लेयर्स का, एंड यस आई थिंक ये जो चीज़ है इसे ये दोनों की दोनों टीम्स एक ही बैटल तक लेकर लाने की कोशिश कर रही है। काफ़ी ज़्यादा डैमेज लक्सी को दे चुके थे, बेयरली सर्वाइव कर रहे थे 10 HP पर, जॉनाथन यहाँ पे ब्लू जोन के थ्रू नॉकडाउन हो जाएंगे और क्लच गॉड यहाँ पे अकेले बचे हैं, तो हील बैटल पे जैसा मैंने कहा था बात आ जाती है और क्लच गॉड के पास बचे हैं सिर्फ 4 फर्स्ट एड्स, बूस्ट ऑलरेडी रन होने चालू हो चुके हैं, नेट जा रहे हैं सामने से, कितनी देर तक क्लच गॉड सर्वाइव करेंगे ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा, सामने से इमोट्स लाने शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे म्यूजिक जो है वो राइजन बजा रहे हैं, उनके टीममेट डांस कर रहे थे और आई वांट माइक्रोबॉय बाहर कर क्या रहे, ओके ही इज ऑल्सो डांसिंग, तो एक प्लेयर को आई थिंक उन्होंने हील बैटल के लिए डाल दिया और बाकी क्लच गॉड यहाँ पे अपना वापसी हील बैटल करेगा और इसी के साथ क्लच गॉड फिनिश होते हुए टीम BTR विनिंग द लास्ट गेम इन फैशन विद यू नो स्वैग एंड पनाश और 14 किल्स के साथ यहाँ पे टीम BTR चिकन डिनर लेती हुई, बट नेवर्थलेस TSM एंटिटी वहाँ पे एक बहुत ही हेल्पलेस सिचुएशन में आ गई थी, 5, 6 और 8 किल्स के साथ सेकेंड